शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाजरीन महफ़िल को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। सब लोग जानते हैं कि काशिफ का ऑफिस मेरा अपना ऑफिस है और काशिफ दिल का भी बड़ा अच्छा है और अपनी तमाम जो रियल एस्टेट बरादरी है उनके साथ भी काशिफ ने माशाल्लाह बड़े दिल से मरासम रखे हुए हैं। और वैसे भी आपको पता है मैं अपनी जो रियल एस्टेट बरादरी है इसको अपनी जाती टीम समझता हूँ, अपने घर का हिस्सा, अपने खानदान का हिस्सा समझता हूँ। आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी बंदा एक बना बनाया हुआ प्रोजेक्ट किसी से शेयर नहीं करता। ये लोग गवाह है कि मैं 5 लोगों को लेकर गया हूँ और इनको 3 साइट्स दिखाई हैं। 3 साइट्स दिखाने के बाद मैंने कहा है कि ये तीनों प्रोजेक्ट थे, 2 इन्होंने फिजिकली इंस्पेक्ट किए जितना ये चल सकते थे, इनको बहुत ब्रीफ किया। उस दिन जो हमारी REC की मीटिंग उसमें हमने इतना नहीं ब्रीफ किया जितना साइट पे बहुत कुछ नक्शे भी लगे हुए थे और प्लानिंग और डिजाइनिंग के साथ भी लगे हुए थे। तो उस दिन हमने इनको बहुत इन डेप्थ जाकर वो चीज दिखाई और दिखा के फिर इन दोस्तों से पूछा कि जी आप बताएं कि हम कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। ये एक ट्रस्ट लेवल होता है अपनी बिरादरी के ऊपर। तो ये मेरा आप लोगों के ऊपर इतना ट्रस्ट था कि आप लोगों से पूछा गया, आपके नुमाइंदों से पूछा गया कि जी बताएं कौन सा प्रोजेक्ट। और फिर साथ इनको ये भी कहा, इन्होंने कहा जी हम अभी फैसला करते। मैंने कहा नहीं, आप एक राह सोचे, कल को मुझे आकर 11 बजे मेरे ऑफिस में बताएं। तो अगले दिन इन्होंने आकर कहा कि नहीं जी ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर, जो अभी बात कर रहे थे किसी सोसाइटी का मैं नाम नहीं लूंगा, आपका प्रोजेक्ट कुछ से 7-8 लाख रुपए सस्ता नहीं है, वो डेवलपमेंट कास्ट समेत 42 लाख है, आपका प्लॉट जो है वो 28 लाख से कम है, तो 14 लाख रुपया आपकी कीमत उनसे कम है, 14 लाख। और उनकी जो बुकिंग हो रही है वो हो रही है 42 माह के नोटिस पर, आपकी बुकिंग हो रही है 54 मंथ के नोटिस पर। तीसरा, किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं है, वो जो बुकिंग कर रहे हैं वो मोटरवे के क्रॉस कर रहे हैं, आप पिंडी इस्लामाबाद के एडजेसेंट सिटी के साथ कर रहे हैं। तो इसका अगर कोई बंदे जो देख के आए हैं वो तो अमेरिकन, जैसे शाह साहब ने कहा, मैं इनको कहता था जमीन इतनी है कि आपकी सोच है, तो सोच से तो मेरा यही होता है ना कि 500 नहीं तो 1000 हो जाएगी, 1000 नहीं तो 2000 हो जाएगी, 2000 नहीं तो 3000 हो जाएगी, ऐसे ही देखा होगा ना। चलो FR देखा होगा, FR नहीं देखा होगा तो फैसल टाउन देखा होगा, फैसल सी स्क्वेयर देखा होगा, मद्दला सिटी देखा होगा सरदार सभा, या आपने फैसल हिल देखा होगा, तो उसको देख के आप कह रहे होंगे कि वो इतनी जमीन होगी, ये आपके जुमे कंपैरिजन होंगे, या आपने B-17 देखा होगा, या ROS देखा होगा, F-17, E-11, 3-1, नादर, जिसको मर्जी आप देखें, लेकिन आपके जहन में कंसेप्ट तो वही था ना। लेकिन जब आप वहां गए हैं तो वहां ये कंसेप्ट नहीं था कि जमीन इस तरह है, वहां डिफरेंट दुनिया है, माहौल ही एक अलग है, जमीन ही एक अलग है, सिटी एक अलग है भाई। वो इस वक्त अल्लाह नजर वासिबला है पाकिस्तान की टॉप ऑफ दी लाइन है, ना इसी जगह कराची में है, ना लाहौर में है, ना पिछावर में है, ना पिंडी इस्लामाबाद में, टॉप ऑफ दी लाइन जगह है। उसको आप जिस मर्जी ग्रेड के ऊपर टोल दे, किसी DHA के, किसी पर्सन के, उसके करीब नहीं जगह फटकेगी। ये ऐसी एक अल्लाह ने खूबसूरत जगह आपको, आपकी कंपनी को, आपके ब्रांड को दी है। फैसल टाउन एक पाकिस्तान का और एक इंटरनेशनली रेनाउंड टॉप ऑफ दी लाइन ब्रांड है जो डिलीवरेंस के ऊपर जो है वो यकीन रखता है, जो अपनी ताकत अपने मेंबर को समझता है, बगैर एडवर्टाइजमेंट किए वो कहता है हमारी ताकत हमारा मेंबर है, उसके हमने इंटरेस्ट का क्या रखा है, हमारी ताकत हमारी रियल एस्टेट बरादरी है, हमने इसके इंटरेस्ट का क्या रखा है। इस तरह कोई नहीं करता, अगर ये ना होता तो इतनी कम कीमत हम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा देते, 2-4-10 हज़ार रुपया रिबेट आपका और बढ़ा देते, तो हम इसको दूसरे प्रोजेक्टों से 4-5 लाख रुपए ऊपर बेच सकते थे। क्योंकि होना तो यही चाहिए कि आप 14 लाख कम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इसकी 14 लाख उनसे ज्यादा कीमत होनी चाहिए, इसकी लोकेशन के हिसाब से, इसके ब्रांड के हिसाब से, और जो आप प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं उनके हिसाब से, जो किसी ने 10 साल में फासला तय किया है, आपका वो फैसला एक सिंगल फॉर्म बुक करने से पहले वो तय शुदा है, इतना फासला माशाल्लाह आप जो है तय करें, फिर उसका
वहां हमने कुछ डिटेलिंग बताई जो इसके अंदर नगीने लगा रहे हैं। इसका जो एंट्रेंस गेट है जो दुनिया देखने के लिए है, जो उस तरह नहीं होगा, इसके ऑफिस देखने आएगी। इसका मैंने पहले दिन आपको बताया था कि इसका आगाज इस तरह नहीं होगा कि डेवलपमेंट का एक दवाए खैर करेंगे डेवलपमेंट का आगाज होगा, नहीं। एक दिन में कोई 15 से 20 इफ्तिताह होंगे जो हमारे होंगे, एक ही दिन में एंट्रेंस का इफ्तिताह होगा, उसी दिन माशाल्लाह जो हमारा तरीका है कि सबसे पहले मस्जिद से जाएंगे मस्जिद का इफ्तिताह होगा, उसी दिन ऑफिस का इफ्तिताह होगा, उसी दिन साइन बोर्ड लगने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन डेवलपमेंट, उसी दिन क्लब की तमीर शुरू हो जाएगी, उसी दिन कमर्शियल बिल्डिंगों की तमीर शुरू हो जाएगी, उसी दिन घरों की तमीर शुरू हो जाएगी। ये हम खुद करेंगे, पहले हम आपको ये चीजें करके देंगे। तो ये एक सिटी के तौर पर, और ये आप सोचते होंगे कि पता नहीं फलानी हाईवे 200 माजरत के साथ इसमें कोई बड़ी बड़ी हाईवे की बात करें, ये 270 फुट नहीं है, ये 270 फुट से बड़ी की कुछ चीजें करवाने जा रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपकी सोच के मुताबिक नहीं, इसलिए बजाय मैं लंबी बात करूं, मेरी आपसे दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट बेचने की नहीं है। मेरे पास अभी तक जो रजिस्टर्ड चीज है वो 2 लाख से ज्यादा फार्म एक घंटे में हम फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक आपके पास लोगों की है। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम कहीं जगह पर इकट्ठे हुए, 7 खान उसका बिजनेस है, उसके आगे नहीं मैं बताऊंगा। एक बंदा आया, उसने 20,000 का मेरे सामने एक कागज रखा, इस पे आप साइन कर दें, पूछ रहे इनको क्या इनकार कर 20,000 प्लॉट का, उन्होंने कहा जी साइन कर दें, प्राइस आपकी, रिबेट आपका, डाउन पेमेंट आपकी, सिर्फ आप साइन कर, अभी भी आपको कहता हूं ये 3 लोगों को प्लॉट बेचा, 3 लोगों, नंबर 1 ये प्लाट उन लोगों को बेचते हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई ख्वाब देखा है, जो मडियाकर लोग हैं, जो सैलरी पेड हैं, जो जिनकी इनकम लो है, जो प्लॉट लेके कभी अपना घर बनाना चाहते हैं, उनका घर कहाँ हो, कैसी सोसाइटी में हो, उनका घर एक शहकार सिटी में हो, एक बहुत बड़ी एक स्टेट में हो, ये उस तरह का प्लॉट है कि जब वो घर बनाए 4.5 साल का शेड्यूल है, 2-3 माह का इधर ग्रेस पीरियड है, 2-3 माह का आ गया है, तो 5 साल का जो शेड्यूल है आप ज़ेहन में रखें, और फिक्स प्राइस है, डॉलर 400 का हो, बिचोमन 500 की हो, जो भी रेट हो उसके ऊपर 1 रुपए की एस्केलेशन नहीं, 1 सिंगल रुपया हम कभी जिंदगी में किसी से चार्ज नहीं करेंगे। हाँ वो 2-4 6 माह में डाउन पेमेंट दे के या 10 किस्तें दे के आगे नहीं देता तो वो उसका फाइन है, लेकिन हम खुद 5 साल की इजाजत दे रहे हैं। जब उसने 5 साल में हमें कितना पैसा देना, 25-50 का 28 लाख से कम देना है, उसे आप अंदाजा लगाएं कि जब 5 साल में देना है तो उस वक्त ये प्लाट को 10-20-50 लाख का नहीं होगा, ये करोड़ों में होगा। मैं आपको इंशाल्लाह तआला इसकी गारंटी करता हूं कि जिस दिन वो अपने पेमेंट दे के उधर मौके पर जाएगा तो ये प्लाट करोड़ों में होगा। इसका मतलब है वो थोड़ी सी सेविंग को इतना कर सकता है कि वो उसका ऐसा ख्वाब होगा कि वो अपने बच्चों को बताएगा कि क्या हमने अल्लाह पाक ने हमें जन्नत में एक घर दे दिया। तो आप एंड यूजर से बरात जिसने घर बनाना है उनको ये प्लॉट दे। नंबर 2, ये प्लॉट उन लोगों को दें जो सेविंग के नाम पे प्लॉट लेना चाहते हैं, जो कहते हैं ये हमारी नौकरी है, ये हमारी इधर से इनकम है, हम थोड़ी थोड़ी इनकम 25-50-30-60-35-70-40-80-50-90 ये हम एक एक प्लॉट लेते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता कीमत पूरी करते जाएंगे। जब 5-6 साल के बाद इसकी कीमत पूरी होगी तो पता चले कि जो उन्होंने 25-26 लाख का, 27 लाख का या 32 लाख का या 45 लाख का साइज के हिसाब से प्लॉट लिया, अब उनका 2-3-4 करोड़ का हो गया। वो थोड़े से पैसे जो उन्होंने 5 साल में दिए हैं वो पता चले 3-4 करोड़ हो गए, उससे वो क्या कर सकता है कि वो अपने बच्चों की शादियां करेगा, उस वक्त वो बेचेगा, वो शादियां करेगा, वो अपने को घर बनाएगा, गांव में बनाएगा, कोई चीज खरीदेगा, उसका एक छोटा सा प्लॉट उसकी अल्लाह की मेहरबानी से 10 जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो ये है एपिसोड 3 ओवरसीज पाकिस्तान, जिसको सोशल मीडिया के नाम पे, हर चीज के नाम पे, जहां चाहे लोग चाहते हैं उनको लूट लेते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट कराएं।
ताकि एक सॉलिड जगह के ऊपर उनकी सेफ इन्वेस्टमेंट हो और रात को सोए। अब ये उनकी चॉइस है कि वो 5 साल के बाद आकर घर बनाते हैं या 5 साल के बाद बेचते हैं या उसको 20 साल भी बेचते हैं, वो उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। तो आप खतारा, हमारा जोर इस क्लाइंटेज के ऊपर है, इस क्लाइंटेज को अट्रैक्ट करने के लिए। जवेद मसूद साहब अक्सर मुझसे इंटरव्यू लेते थे, आज नहीं, ये आज से 3 माह पहले के इनके इंटरव्यू लेते थे। ये मुझसे पूछते थे ये प्रोजेक्ट किसके लिए ला रहे, मैंने कहा था मिडिल क्लास के लिए ला रहे, मेरी कोशिश है कि मैं उनको कम कीमत पे दूं। तो देखिए मैंने अपना वो वादा पूरा किया कि ना सिर्फ कीमत कम पे ऊपर प्रोजेक्ट दिया बल्कि 54 मंथ लिख के दिया और डाउन पेमेंट को शामिल करें तो 19 इंस्टॉलमेंटों के साथ दिया और ऑल इंक्लूसिव दिया। तो ये छोटी बात नहीं है कि जब आप 5 स्टार प्रोजेक्ट करें, 5 स्टार मदीने लगाएं, एक से बढ़कर एक हाईवे रोड बनाएं, अरबों रुपया जिस दिन हमने डेवलपमेंट पे लगाना है, हमारा 2-3 अरब रुपया एक्स्ट्रा लगेगा जो मैं चीजें लगा रहा हूँ, उससे वैल्यू किनकी बढ़ेगी, लोगों की। आपका प्लॉट जिस तरह शाह साहब ने कहा है, पहले दिन मैं तो बहुत ज्यादा मील के ऊपर हूँ लेकिन ये आपके है 8-10 लाख रुपया तो जेब फेंकने से भी महंगा होना चाहिए। क्यों? उसके पीछे मैंने कल भी एक बात किया, ये है कन्विंस करने वाली बात कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये एक कंपनी ये एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है यार, वो एक क्वालिफाइड लोग हैं। मैंने कल भी मिसाल दी थी कि कोई आदमी जितना भी क्वालिफाइड एक काम में हो वो दूसरा काम नहीं कर सकता, आप करवा के देख लो वो नहीं कर सकेगा। मैं माजरत के साथ ये जो अपना जो होते हैं लैपटॉप, मैं इसकी तार नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं, छोटा सा बच्चा सारा कुछ चला देगा, मुझे नहीं चलाना आता। तो जिसका काम उसी को साझे भाई, ये हम आपकी फैसल टॉम के पास एक प्रोफेशनल टीम है, एक टेक्निकल टीम है, आपके फैसल टॉम के पास एक्सपर्टीज मौजूद है जो बड़े बड़े प्रोजेक्टों को, जो छोटे प्रोजेक्टों को, हर तरह के प्रोजेक्टों को, कंस्ट्रक्शन को, डेवलपमेंट को हैंडल करने की कैपेसिटी रखती है। ये चीज है जो कोई लैंड में इशू आ जाए उसको रिजॉल्व करने की अहलियत रखती है, मुख्तलिफ जगह पे पैसे का पीछे बैकग्राउंड पैसा होना चाहिए। आज के आपके दिन में देखें अल्लाह ने कितना बड़ा आप लोगों को आजाद बख्शा है कि एक सिंगल बुकिंग नहीं, एक सिंगल पे ऑर्डर नहीं पकड़ा। आपकी जमीन आपकी सोच से ज्यादा है, कुछ 2,000 कनाल की बात नहीं है, 10,000 कनाल की बात नहीं है, 20,000 कनाल की बात नहीं है, कुछ 30,000 कनाल की खदारा बात नहीं है, कुछ ये कोई ऊंची बात है। इतनी लैंड आपके पास मौजूद है, फार्म आपके पास एक नहीं, टेक्निकल एक्सपर्टी की इंतहा है। मैंने कल भी बताया आपका बिलू एरिया का प्लॉट है, अभी जाकर आप देखें, इधर से जाएं तो 1 मिनट लगता, किसी ने कभी देखना हो तो F8 के इशारों से आप टर्न लेकर वापस F10 की तरफ आएं, इशारों से टर्न लेकर बिल्कुल F9 के सामने जब फुटबॉल ग्राउंड है ना, फुटबॉल ग्राउंड आप यूं ही लेफ्ट गुजरेंगे तो लेफ्ट देखना शुरू कर दे, सारा ही कचरा पड़ा, वो एक ही प्लॉट है जो साफ है और रेड बुतियां उसमें लगी हुई है, वो आपकी कंपनी का प्लॉट है। इस वक्त थ्रोन कीमत के ऊपर फेंके तो 18 अरब से ज्यादा का प्लॉट है, 18 अरब तो हमारी हमें उसकी आफत हो चुकी है। आपका E11 वाला 30 से 35 अरब का प्लॉट, मकसद है कि पीछे कंपनी है। शाह साहब कभी कभी कहते हैं फैसल टाउन आपका डेवलप है, लोग घर के लिए एक प्लॉट को तरसते हैं, उसमें आज भी हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है। फैसल रेजिडेंशिया 50% इन्वेंट्री मौजूद है, अनसोल्ड है। सी स्क्वायर में इन्वेंट्री मौजूद है, हालांकि छोटा सा प्रोजेक्ट है, सी स्क्वायर में कितने कमर्शियल हमारे पास मौजूद है, FMC में अपनी आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है, फैसल हिल में आप सब जानते हैं इन्वेंट्री मौजूद है, तो कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। मकसद ये है कि ये वही अदारा अब्जॉल्व कर सकता है जिसमें ये सलाहियत भी हो और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी हो। तो मेरा दोस्तों से है कि अपने ब्रांड के साथ जुड़े रहें, ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां संवार सकता है और आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, थोड़ा सा नहीं एक बिजनेस है। फिर ये प्री लॉन्चिंग प्राइस है लिमिटेड प्लॉटों की, उसके बाद जो असल प्राइस है, अगर आप 1 मिनट इजाजत दें तो मैं वो प्राइस 100% फाइनल हो चुकी है।
जिसके ऊपर ब्रोशर प्रिंट हो रहा है उस पे हम देर रात लगे हैं, मैं वो प्राइस आपकी तसल्ली के लिए बता रहा आज फोन से देता हूँ। बता रहे हैं जो जी सर, हाँ जी ठीक है, अच्छी है, बताना चाहिए वो मैं देखकर भी है। जी जी मैं 2550 की प्राइस बता रहा हूँ, ये है 3490,000 रुपया। सर थोड़ा अभी हमारा 28 से कम है, थोड़ा कंपैरिजन। हाँ ये 3490 ब्रोशर इस पे प्रिंट है, ये प्री लॉन्चिंग के बाद का रेट बता रहे हैं, फौरी बाद का। और ये भी दूसरों से 8,00,000 रुपया कम है, ये भी डेवलपमेंट चार्ज दिया था। और 30,00,000 का है 48,20,000 और 3570 का है 62,80,000, 40,80,00,000 का है 78,60,000, 5090,00,000 का है 1,05,30,000, 2 canal का है 2,50,000। बेसिकली ये हमारी प्राइस मात्र से पहले दिन होनी चाहिए ताकि हम कंपेयर करते कसरान से, ये 7,00,000 रुपया या 8,00,000 रुपये कम है। आपने बहुत सस्ता इसलिए दिया जो मैं जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा था उनको खदारा प्लॉट दें कि 100% सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ, और वो प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े शहर में अपना प्लॉट ले रहे हैं और टॉप ऑफ दी लाइन फैसिलिटी, बात होती है फैसिलिटी की, उसकी कीमत होती है भाई वो। फिर मैं जब ब्रांड की बात करता हूँ तो मेरे मुँह से अच्छा नहीं लगता मैं इस तरह की बातें करूँ, लेकिन ये इसका ये एक होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दूँगा, मेरे पॉकेट में एक लेटर, वो मैं आपको बताता हूँ। ये लेटर तो किसी और प्रोजेक्ट का, लेकिन इससे आपको इंटरेस्ट का पता चलता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या। मैं 4 प्रोजेक्टों के बारे में अभी आपसे बात करता हूँ, एक लाइन की। एक के बारे में जानबूझ के नहीं मैं कह रहा कि उसका कुछ सरप्राइज है, वो जब मैं मीटिंग करूंगा तो उसको अनाउंस करूंगा। फैसल टाउन 100% अप्रूव्ड है जो हमारा मौजूद है, फाइनल एनओसी इशूड है। सी स्क्वायर 100% अप्रूव्ड है, फैसल मार्केला सिटी 100% अप्रूव्ड है, फाइनल एनओसी इशूड है। फैसल हिल फेज 1 100% अप्रूव्ड है, 14,00,000 कनाल का और एनओ फाइनल एनओसी इशूड है। फैसल हिल फेज 2 8,00,000 कनाल पीपी अप्रूव्ड है, एलओपी उसका अप्रूव था, आपको पता है पिछली वीडियो में बता दिया। ये शाह साहब आपको डेट बताएंगे, डेट वो बताएंगे, लेटर मैं बता देता हूँ। ये फैसल हिल फेज 2 8,000 कनाल इसका ये फाइनल एनओसी है। इसका मतलब ये है कि जब आप आगे कोई चीज लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपके पीछे 100% लीजिटमेट चीजें हैं, 100% फाइनल एनओसी। एक प्रोजेक्ट का नाम मैंने जानबूझ के नहीं दिया, वो मैंने कहा जब मैं उसकी मीटिंग करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि वो कहां क्या है, हुआ है नहीं हुआ, क्या हुआ है, वो मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन कोई खुशखबरी है उसकी भी है। ये शाह जी डेट जरा बताएं कि इस पे किस डेट का ये एनओसी है। ये 6 अक्टूबर का लेटर है, यानी कल का। और ये अभी हमने किसी से शेयर नहीं किया, मीडिया पे नहीं किया, ये सबसे पहले काशिफ के दफ्तर में आया था। ये फाइनल एनओसी है कि 6 अक्टूबर। इसका मतलब ये है कि आपकी फैसल हिल 22,000 कनाल की कानूनी जो अप्रूव्ड कानूनी है, बाकी तो उसमें तो अभी और दुआ के जो अनअप्रूव्ड है, 22,000 कनाल फाइनल एनओसी आपके पास है। इस पे लोग बिल्डिंगें बनाएं, प्लाजे बनाएं, ना गैस लेने की कोई परेशानी, ना बिजली लेने की परेशानी, ना नक्शे पास किसी ने नहीं आपको कहना कि जी कहाँ इसका वो, तो आपके पास तो फाइनल एनओसी नहीं है। तो इतनी ऑथेंटिक चीजें कौन बना सकता है। तो ये मेरा मकसद था कहने का कि आप अपने ब्रांड के साथ जुड़े रहें, इस स्कीम में आपके पास पैसे कमाने का बहुत बड़ा है मकसद है कि अब आप क्या करते हैं। मैंने अपने हिस्से के भी सारे काम कर दिए, अब कमजोरी होगी तो आपकी तरफ से होगी। तो खदारा सिर्फ प्लॉट ना बेचे, प्लॉट जिसको बेचने हैं एंड यूजर को बेचने हैं वो आप बंदे ढूंढे, और ये आपको सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद से भी माजरत के साथ आप 50,000 भी ढूंढे तो 50,000 इधर से मिल जाएगा। तो इसमें माजरत के साथ पूरा पाकिस्तान पड़ा है,
ओवरसीज पाकिस्तानी पड़े, एक से बढ़कर एक पड़ा। तो आप अपने ब्रांड के साथ रहें और इस तरह काशिफ साहब महफिल से जाते रहें और हम खूबसूरत खाने खाते रहें, अच्छी बातें करते रहें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करें। अच्छा, एक मैं और अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। हमने मंगल की शाम 5 बजे का फंक्शन रखा है फैसल टाउन सी ब्लॉक में, मैंने अनाउंस किया हुआ है। सब दोस्तों को दावत है, आपके अहबाब को भी दावत है। एक बीच में प्रॉब्लम आ रही है, अगर कैमरे बंद कर दे वो